दोस्तों साल 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली तो आप सभी ने देखी होगी, जहां इस फिल्म ने अपनी स्टोरी और अपने किरदारों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। वहीं इस फिल्म में गंगा का किरदार निभाकर दर्शकों का खूब दिल जीता। अभिनेत्री मंदाकिनी ने इनके इस किरदार को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया था, जिसके चलते ये काफी ज्यादा फेमस भी हुई। लेकिन इस फिल्म से सबके दिलों में अपनी जगह बनाने के बाद अभिनेत्री मंदाकिनी एकदम इंडस्ट्री से गायब हो गई और अब 26 साल बाद बॉलीवुड में कमबैक करने वाली हैं। जी हाँ, तो आखिरकार किस प्रकार का होने वाला है इनका प्रोजेक्ट जिसके साथ ये कमबैक करेंगी और ये किस अंदाज में नजर आएंगी, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभिनेत्री मंदाकिनी अपनी इस फिल्म में गंगा के किरदार को निभाकर सबके दिलों की धड़कन को धड़का चुकी है, जहां दर्शकों ने इस फिल्म में इनके लुक से लेकर इनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ की थी। जो इस फिल्म में सिंपल सीधी सादी लड़की बनी हुई है और इन्होंने अपना ये सिंपल सीधा साधा रोल भी बखूबी पर्दे पर उतारा था। लेकिन मंदाकिनी सालों से स्क्रीन से गायब हैं। पिछली बार वो गोविंदा, आदित्य पंचोली और नीलम कोठारी की फिल्म जोरदार में नजर आई थी, इसके बाद वो इंडस्ट्री से गायब थी। मगर अब वो एक बार फिर से 26 साल बाद स्क्रीन पर नजर आएंगी। खबरों के मुताबिक वो अपने ही बेटे रबील ठाकुर की वीडियो में माँ का किरदार करेंगी, जहाँ गाने का नाम होगा माँ ओ माँ। वही अगर गाने के बारे में बात करें तो मंदाकिनी ने गाने से रिलेटेड कहा है कि गाना बहुत ही प्यारा है और इसके बारे में सुनते ही इन्होंने हाँ कह दिया। एक्ट्रेस ने कहा, इस गाने की सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा बेटा मुख्य भूमिका निभा रहा है। हम इस गाने की शूटिंग महीने के एंड तक शुरू करेंगे। डायरेक्टर ने भी मंदाकिनी के बारे में बात करते हुए कहा, इसे डायरेक्ट करना मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। डायरेक्टर ने कहा कि मंदाकिनी उन्हीं के होम टाउन में रहने वाली हैं और वो इस बात से खुश हैं कि मंदाकिनी के बेटे इस गाने से अपना डेब्यू कर रहे हैं। डायरेक्टर ने बताया कि वो आगे शॉर्ट फिल्म बनाने वाले हैं, उसमें वो मंदाकिनी को कास्ट करेंगे। बात करें मंदाकिनी की तो गुजरे जमाने की मशहूर अदाकारा है। राम तेरी गंगा मैली ही नहीं, उन्होंने और भी कई सफल फिल्मों में काम किया है। वो तेजाब, लड़ाई कहाँ है, कानून और प्यार करके देखो जैसी फिल्मों में लीड रोल कर चुकी हैं। उन्हें दोबारा स्क्रीन पर देखकर उनके फैंस बहुत खुश होंगे। पिछले साल भी उनकी फिल्मों में आने की खबर आई थी, लेकिन बजट के चलते उन्हें फिल्म में नहीं लिया गया। वेल दोस्तों, आप अभिनेत्री मंदाकिनी की वापसी से कितने खुश हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।